सीरियल सूफियाना प्यार मेरा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है और आज सीरियल में दो दो खुलासे हुए हैं। एज यू ऑल नोज कि घर वालों के सामने कायनात की डेथ हो गई है, लेकिन ये राज तो सिर्फ कायनात ही जानती है कि असल में सल्तनत इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी है। और इसी बीच आज कायनात पहुंच गई है सल्तनत की कब्र पर, लेकिन सल्तनत की कब्र पर पहुंचते ही कायनात की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। कब्र में सल्तनत की लाश को ना देखकर कायनात के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कायनात और जारून एक्चुअली कब्रिस्तान पहुंचते हैं, तो कायनात किसी वजह से जारून को तो वहाँ नहीं आने देती है। वो वहाँ जाती है एंड शी सीज की कब्र खुली हुई है, अंदर कोई है नहीं, और उसकी तो एकदम बैंड बज जाती है। मतलब ऐसे होता ना कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई, बिकॉज यार मर गई है सल्तनत और अब वो उसकी कब्र में वो है नहीं। तो व्हाट डज दैट मीन, या तो कोई उसको लेकर चला गया, या तो यू नो वट एवर, लाइक लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो बस बहुत एकदम पैनिक हो जाती है। Well, अब कायनात को ये पता चल ही चुका है कि सल्तनत की लाश कब्र में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लाश गई तो गई कहाँ, कौन ले गया सल्तनत की लाश को? तो चलिए इसका खुलासा भी हम आपके सामने कर ही देते हैं। इस सुनसान और काली जगह पर व्हील चेयर पर दिखने वाली ये कोई और नहीं बल्कि सल्तनत है। जी हाँ, जिंदा है सल्तनत, और सल्तनत को कब्र से बाहर निकाल कर लाने वाला शख्स भी कोई और नहीं बल्कि माधव है। सही सुना आपने, माधव ही है वो नकाब पोश मिस्ट्री मैन जिसने कब्र से सल्तनत की लाश निकाली थी। आपको ये भी बता दें कि घर वालों की तरह माधव भी धोखा खा रहे हैं, जनाब भी सल्तनत को ही कायनात समझने की गलती कर रहे हैं। माधव अपनी बहन का बदला कायनात से लेना चाहते हैं और कोमा में बेहोश पड़ी सल्तनत को कायनात समझकर मानव सल्तनत को अपने साथ ले आए हैं ताकि उसका इलाज करके उसे ठीक करें और अपना बदला पूरा करें। आखिर अब माधव सल्तनत के साथ क्या करने वाले हैं? चलिए ये कायनात मैडम से ही जान लेते हैं। एग्जैक्टली, माधव का अलग एक टेंजेंट है कि क्यों उसने कायनात, मतलब जो रियल सल्तनत है, उसको ले लिया, लेकर आ गया है। एक तो वो जिंदा है, दूसरा उसने झूठ बोल के सबको बोला कि हाँ वो उसकी उम्र गई है, उसकी डेथ हो गई एंड ऑल ऑफ दैट। अब यहाँ पर उसका मेन मोटिव है कि उसको वो जान से मारेगा, पहले जिंदा मीनिंग उसको होश में लाएगा, जो भी जितना खर्चा होगा हॉस्पिटल में ये वो हर जगह लेकर जाएगा, होश में लाएगा, और जब होश में आ जाएगी तब तो उसे एकदम ऐसे, उसका एक शॉट था जिसमें से फूल को ना पैरों से कुचल रहा है माधव, कहते जैसे इसको कुचला है वैसे तुमको कुचलूंगा। सो या वेल, इससे तो सल्तनत की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, साथ ही कायनात मैडम की हालत भी कुछ खास ठीक नजर नहीं आ रही है। कायनात, आपको क्या लगता है अब सल्तनत के साथ क्या होगा? वो तो यार उसके एक बार होश आ जाए उसको, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे चीज़ें शेप होती है। बट जैसे सब देखा होगा कि कायनात ने जब छोटी थी तो माधव की जो सिस्टर थी, जिसका अफेयर था कायनात के फादर के साथ, उसको मार डाला था। सो ये बेसिकली उसी का बदला ले रहा है। तो फॉर माधव एंड फॉर द वर्ल्ड, सल्तनत जो है वो कायनात है। सो इसीलिए वो कायनात समझकर उसको लेकर आया है, बट सारी खिचड़ी है। वेल, इसके बाद तो कायनात और सल्तनत दोनों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों की लाइफ कौन सा नया मोड़ लेती है। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।